संभल में दो पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप। तमिलनाडु की जमात रुकी थी, 11 लोग थे शामिल। इन दोनों ने की थी जमात की खिदमत, जमात के साथ ही भर्ती किया इनको। जनपद में लॉकडाउन के 20वें दिन फूटा कोरोना का कहर, दो पॉजिटिव केस आने से हड़कंप। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ से कोरोना संक्रमण की पुष्टि। जनपद में अब तक कोई कोरोना संक्रमित मरीज नहीं था। मुरादाबाद में भेजे गए सैंपल में संभल के दो लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव बता दें, पुलिस ने इलाके को सील करने की कार्यवाही शुरू की। एएसपी और सीओ रात में ही इलाके को चिन्हित करने के लिए पहुंचे। पॉजिटिव आने वाले लोगों के संपर्क में रहे लोगों को लेने के लिए डॉक्टरों की टीम एम्बुलेंस लेकर पहुंची उनके घरों में। उनको भी किया जाएगा क्वारंटाइन। हयात नगर थाना इलाके की सराय तरीन का मामला। सर, जिस तरह से पॉजिटिव निकले हैं, कितने लोग थे, क्या इनकी हिस्ट्री थी? 11 लोग जो है आइसोलेट किए गए हैं सरकारी अस्पताल में, और जिसमें से लगभग 3 या 4 लोगों की सैंपलिंग हो भी चुकी है। एक जो इसमें थे नूह मोहम्मद नाम के, उनकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई, तो उन्हें जो है जिला अस्पताल लेके गए थे हम लोग। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने मुरादाबाद रेफ़र किया, और वहाँ जाके अभी पता लगा है कि उनका सैंपल जो है पॉजिटिव आया है। कितनी पॉजिटिव आया सर जी? कितने लोग हैं पॉजिटिव में? एक उनके साथ में एम्बुलेंस में लड़का बैठ के गया था, उसका भी सुन रहे हैं कि ऐसा पॉजिटिव आया है।